हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल आकांक्षास लाइफ। तो जैसे कि आपने कल देखा, हम लोग इतने टायर्ड हो गए थे कि मैं उसकी प्रॉपर एंडिंग नहीं कर पाई व्लॉग की। तो फिलहाल अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं बीच पे जाने के लिए। ये है मेरा OTT फॉर द बीच एंड फॉर द टू, मैं आज के लिए बीच तक के लिए ही है क्योंकि फिर ये गीले हो जाएंगे, क्योंकि कल हम लोग गए थे बीच पे तो हम लोग गीले नहीं हो पाए थे क्योंकि शाम को कैसीनो जाना था और फिर बहुत लेट हो जाता। तो आज हम जा रहे हैं वो जो यहाँ पे, कल हम बागा बीच गए थे, आज हम ट्राई करेंगे किसी और बीच पे जाए, डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, क्योंकि वापस आके फिर हमने ब्रेकफास्ट भी करना है। ब्रेकफास्ट 10 बजे तक ही है और उसके बाद फिर हमने आज जाना है साइट सींग्स के लिए। तो आज हम जाएंगे साउथ गोवा के साइट सींग्स को घूमने के लिए। अभी फिलहाल मैं उठ गई, मैं सारी बकवास कर रही हूँ, मुझे इतना होश नहीं कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो जस्ट ये क्लिपिंग दे रही हूँ, उसके बाद फ़ोन चार्जिंग पे लगाती हूँ और सीधा निकलते वक्त मिलती हूँ लोकेश। अभी फ्रेश होने के लिए गए हैं, विद इन 10 मिनट्स हम निकलते हैं और आपको अर्ली मॉर्निंग और ख़ुद भी अर्ली मॉर्निंग बीच का व्यू इन्जॉय करते। वैसे हम लेट हो गए, हमें 5 बजे निकलना था बट मेरी आँखें नहीं खुली, भाभी की भी नहीं खुली और 6:30 मेरी खुली और मैंने ही सबको जगाया, क्योंकि फिर हम वेस्ट नहीं कर सकते अपना टाइम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको एंजॉय करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं अब अपने बीच पे जाने के लिए और जो कल हम लोग बीच है उस पर जाने का प्लान कर रहे हैं। ऑल सेट, हम लोग बाहर आ गए हैं, भैया और ये लोकेश गए हैं स्कूटी का पता करने के लिए, क्योंकि यार गोवा आए स्कूटी लाइफ एंजॉय नहीं करी तो कोई फ़ायदा नहीं है। स्कूटी हम इसलिए नहीं ले रखे थे क्योंकि हमने ऑलरेडी गाड़ी कर रखी थी घूमने फिरने के लिए, तो स्कूटी का सेंस नहीं बनता, बट मैं सोच रही हूँ कि हम क्यों ना स्कूटी लाइफ भी इंजॉय करें। फिर से आ गए थे फटाफट से, हम लोगों ने ले लिया शावर और हम जाएंगे नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। वो भी ले लो, मैं वीडियो बनानी है। चलो पाउच में कॉम्प्लेक्स में इधर आ जाओ, ग्रिल पोटैटो लेना, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग वहाँ से बीच आ गए थे, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और अभी हो गई है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि जब मैंने वापस आके देखा रूम में फ़ोन चार्जिंग पे लगाया तो पता चला कि उसके अंदर ना कुछ ऐसा, मतलब वो नोटिफिकेशन आ रही है कि वहाँ फ़ोन के अंदर लिक्विड है, तो लिक्विड जब तक सूखेगा नहीं चार्जिंग नहीं होगी। तो अब मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है, 14% है। मैंने सोचा था अभी आके करूँगी और अब ऐसा सीन हो गया, मुझे नहीं पता मैं क्या तो ब्लॉगिंग कर पाऊँगी, क्या तो मैं वीडियो बना फोटोज़ खींच पाऊँगी। वैसे अभी ये ड्राई कर रहे हैं, बाथरूम में लगे पड़े हैं तब से ड्रायर से सुखाने में, उसको होप्स हो कि हो जाए, कि ड्रायर से सुखाने के बाद भी 1 सेकंड के लिए तो हो रहा है, मतलब 1 सेकंड के लिए तो चार्जिंग कंडक्ट आ जाता है नोटिफिकेशन, लेकिन उसके बाद फिर वो डिसकनेक्ट हो जाता है और लिक्विड छोड़ने लग जाता है। वैसे इतना ज़्यादा कुछ अंदर पानी नहीं है, कुछ एक आधा ड्रॉप चला गया तो अलग बात है क्योंकि लहर बहुत ज़्यादा तेज थी। तो देखते हैं अभी क्या होता है, आपको आज के दिन का मैं क्या दिखा पाती हूँ क्या नहीं, कुछ बना पाती हूँ फोटोज वगैरह जो भी होता है मैं आगे बताती हूँ। फिलहाल गाड़ी नीचे आ गई है तो हमें फटाफट से निकलना, निकलते हैं। जी मेरे हबी ने जो मेरा काम था ना वो करवा ही दिया, बीच में जगह रुक के एक जगह इन्होंने उसको मोबाइल वाले को दिखा के मेरा फ़ोन ठीक करवा दिया। और अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे आए हैं, जो ये जो ओल्ड चर्च है वो इसके अंदर देखते हैं क्या है, मैंने तो कभी देखा नहीं है। और मैंने सुना है कि यहाँ पे फादर हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है बट उनके नेल्स वगैरह अभी भी बढ़ रहे हैं, तो लेट्स सी चल के देखते हैं क्या है। अगर शूट, आई डोंट थिंक सो कि शूटिंग अलाउड होगी, अगर अलाउ हुआ करना तो करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं सेक्सी लेडी,
सेक्सी सेक्सी लेडीज के साथ हम लोग आए हैं। हमने अंदर से देख लिया, चर्च बहुत ही सुंदर है और वहाँ पे वो भी थे जो एक पर्सन है, मुझे ईसा कृष्ण का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ, सॉरी फॉर देट, बट हाँ ये जो भी था बहुत ही प्रीशियस था तो वो हम देख के आ गए हैं बाहर। अभी हम लोग आए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मानुषी टेम्पल जो लता मंगेशकर जी ने बनाया था, तो अभी अंदर चलते। अच्छा, किस खुशी में बनाया था लता मंगेशकर जी ने भैया? मंगेशकर, सॉरी, हाँ जी, किस खुशी में बनाया था? उधर आप अंदर जाएंगे ना, उधर बोर्ड लगा रहेगा। ओह, चल चलो चलते हैं, पढ़ते हैं। ढेर हो गए हमारे सैनिक। अरे भैया ऐसे ढेर हो गए, चलो। को पता ना कि मेरे फ़ोन में चार्जिंग इशू हो गया था तो इस वजह से मैं रास्ते का वो नहीं कर पाया करके, मतलब रास्ते का शूट नहीं कर पाई, लेकिन काफ़ी पहाड़ों पे है। और इसके बाद मानुषी टेम्पल के बाद हम बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग जगह पे जाने वाले हैं, वो मैं आपको आगे सीधा बताऊंगी नहीं, सीधा दिखाऊंगी कि कहाँ जाने वाले हैं। पे वो गाड़ी ने हमें ड्रॉप कर दिया, वो भाभी भैया और ये आ गए, और यहाँ पे स्ट्रीट शॉप्स लगी हुई हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। काफ़ी लंबी लेन है जैसे कि मुझे देखने के लिए मिल रही है, और व्यू भी बहुत सुंदर है। 2-4 मिनट की वॉकिंग के बाद ये आ जाता है, ये है मंदिर गोवा का जो लता मंगेशकर जी ने बनाया था। अंदर जाके देखता है, अभी मुझे पता नहीं है वैसे कौन से भगवान है यहाँ पे। ये यहाँ की कोई एंट्रेंस, वहाँ से सीढ़ियों से हम आए हैं, और यहाँ पे कुछ है कुंड, और यहाँ पे हमें फुटवेयर निकाल लिए। ये है मंदिर, सुंदर है काफी, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है। मंदिर से बाहर निकल के आई हूँ, और यहाँ जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये कि मेरी जो ये ड्रेस थी वो पीछे बैक से ओपन थी, तो उन लोगों ने यहाँ पे, जैसे वहाँ पे एक लड़की है उसको उसने ले रखा है, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे इस तरीके के स्टॉल्स रखे हुए हैं कि अगर आपने शॉर्ट्स वगैरह ड्रेसेस पहने हुए हैं तो आप इन स्टॉलों को नीचे लपेट लीजिए, और अगर बैकलेस है तो आप उसको ऊपर से डाल लीजिए, उसके बाद ही एंट्रेंस है, जो कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है कि एक मंदिर है, मंदिर में हमें अपने पूरे कपड़े पहन के जाना चाहिए, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीज़ करी है ये। तो ये है पीछे वाला मंदिर, पैर बहुत ज़्यादा जल रहा है इसलिए यहाँ पे कारपेट भी छा रहा है, उस पर चल रहे हैं हम, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत तेज़ नहीं लग रही है लेकिन गर्मी थोड़ी सी है कंपेरेटिवली कल से थोड़ी ज़्यादा है, और एसी में से बाहर निकल रहे हैं ना एकदम धूप में तो उससे दिक्कत भी होती है। और यहाँ पे कंठ देव का भी मंदिर है छोटा सा, उसके भी दर्शन कर लेते हैं और फिर चलते हैं। आंटी से मैंने छोटी सी केली ली है, आंटी ने दो, आप खिला दीजिए दो, मैं दो दो तोड़ दो, लो पहले आपने दिए नहीं? नहीं मैं दे दूँ, कितने देने हैं? उसको तोड़ो बेबी, मैं ये तो दे दी मैंने, उसको तोड़ो, तो दो तोड़ो, दो एक एक करके, एक एक करके आपसे खा तो रही है, कुछ और दे दो। अरे खा गई यार, कोई बात सभी। हम कहाँ पे आए हैं? स्पाइस प्लांटेशन, बिल्कुल जंगल में जाके ये जगह है, पहाड़ों पे, बोलिए। यहाँ पे मसालों की खेती होती है सर, है ना? मसालों की खेती होती है, मसाले बनते हैं। अंदर जाके हम खेत देखेंगे सारे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो भरे पूरे जंगल में यहाँ पे मसालों की होती है, बहुत सारे मसाले और चीज़ें हैं अंदर, ऐसा ड्राइवर भैया ने हमारे बताया है। बाकी अभी हम अंदर जाएंगे तो दिखाते हैं आपको क्या है कैसे है। यहाँ पे भैया ने बताया कि 500 पर पर्सन टिकट है जो कि लेनी कंपलसरी है, उसके अंदर हमारा जो लंच है वो इंक्लूडेड होता है, और यहाँ का लंच बहुत ही टेस्टी होता है ऐसा भैया ने बताया, बाकी तो हम जैसे इंजॉय करेंगे वैसे बताएंगे। है मेन एंट्रेंस, यहाँ से जाके हमें अंदर टिकट्स लेनी पड़ेंगी। अच्छा, ये है टिकट काउंटर, यहाँ से मिलेगी। रास्ते में से ले लिए थे ऑरेंजेस और कुछ वो, तो ये बड़े काम आ रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे ना इन्होंने ऐसे लकड़ी का कुछ पुल बनाया हुआ है,
और मतलब उसमें ना पूरे खेतों में जाके मतलब खेती है शायद अंदर, ग्रीनरी अच्छी चीज है जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी तक। पूरा टोपी कर रहे ना। क्या क्या है इसमें? लेमन ग्रास, अदरक, इलायची, स्वीटनेस के लिए थोड़ा सा गुड़ डाला है, शक्कर नहीं। आपको वॉशरूम यूज करना है या फिर सीधे जाके राइड में वॉशरूम। और अभी 5 मिनट के बाद गाइड आपको प्लांटेशन विजिट के लिए। अच्छा ठीक है। होता है वो 1-30 मिनट का टूर रहेगा। अच्छा वो सब बताएगा। हाँ उसके बाद तो आप क्या चाहते हो? यहाँ पे कैसीनो बनाते हैं, उसके बाद कैसीनो है, अगले परफॉर्मेंस है। डेमोंस्ट्रेशन के लिए मैं सिर्फ आपको 1 से 1.5 कर दिखा। ठीक है। आपको अभी तो पता है गोवा का फेमस लोकल अल्कोहल काजू फैनी, और ये डिस्टिलरी काजू फैनी की, यहाँ पे काजू फैनी बनाते हैं। और ये मॉडल है काजू के फ्रूट का, एक काजू का एप्पल है और एक काजू का नट है, और एक फ्रूट सिर्फ एक नट देता है। उसके बाद हम वो नट इकट्ठा करके फैक्ट्री में बेचते हैं रोस्टिंग पर्पस के लिए, क्योंकि हम वो डायरेक्टली नहीं खा सकते, पॉइजनिंग होता है बहुत। उसके बाद काजू का एप्पल इकट्ठा करके उसको पैरों से मसलते हैं, उसका जूस निकालते हैं, वो जूस एक डब्बे में फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं 6 से 7 दिनों के लिए। उसके बाद वो जूस लेके इसमें डाल के बॉयल करते हैं, यहाँ पे नीचे आग लगाते हैं और जूस को बॉयल करते हैं। जब जूस बॉयल होता है ना, वेपर पास होता है छोटे वाले वेसल में, जब वेपर पास होता है तो इस पाइप पे हमें कंटिन्यूसली ठंडा पानी डालना पड़ता है, बिकॉज कंडेंसेशन वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और जो फर्स्ट डिस्टिलर में मिलता है ना वो है हुर्रा, उसमें 9-10% ऑफ अल्कोहल रहता है। फैनी के लिए वही प्रोसेस रिपीट करते हैं, 50% फर्मेंटेशन रहते हैं, 50% हुर्रा वापस मिक्स करके बॉयल करते हैं। और जो सेकेंड डिस्टिलर में मिलता है ना वो है फैनी, उसमें 40-42% ऑफ अल्कोहल रहता है। अगर आपने 1-2 चम्मच लिया वो सर्दी खांसी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए अच्छा होता है। अगर उससे ज़्यादा ऐसे ही कंज्यूम किया तो पूरा हुआ देखने की ज़रूरत नहीं, उसी से देखोगे इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। पर ऐसा आपका अल्कोहल पानी में मिला के, हाँ पानी में मिला के पी सकते हैं। आपको अल्कोहल लेना है तो स्प्राइट, लिमका या वाटर में डाइल्यूट करके लेते हैं, और लाइव लिमका में अच्छी लगती है आपके लिए। एज ए मेडिसिन लेना है 1-2 चम्मच काफी होता है। और आपको ट्राई करनी है तो हमारा टूर खत्म होने के बाद मैं आपको ट्राई करने के लिए दूंगी, 9-10 ml एज ए मेडिसिन, नॉट फॉर एंजॉयमेंट। और फैनी को एक्सपायरी नहीं होती, जो आप जितने साल वो स्टोर करोगे ना उतनी वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, पर खराब नहीं। पूरा जंगल है और ये सुपारी है, बिटल नट, अरेका नट, जो आप पान में डाल के सुपारी खाते हैं ना वही सुपारी। पहले से वो ग्रीन कलर में आती है, पकने के बाद ऑरेंज होती है, उसके बाद उसको निकाल के सुखाते हैं, क्योंकि सुखाने के बाद उसका छिलका आसानी से आता है। आप इस पेड़ की एज भी काउंट कर सकते हैं, मतलब ये पेड़ कितने साल का है, इसके रिंग्स काउंट करके 1-2-3-4, इसके 4 रिंग्स मतलब 1 साल होता है, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन। 1 साल में सुपारी के पेड़ को 4 रिंग्स आते हैं। और सुपारी को ना इंडियन लीगल ड्रग भी कहते हैं, क्योंकि एक कच्ची सुपारी में 30 ml विस्की इतना नशा होता है। अगर आपने कच्ची सुपारी पूरी चबाई ना तो पूरा सर घूमेगा। सूखी वाली खाई तो कुछ नहीं था, और डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। अभी जो ब्रिज पास किया ना वो भी इसी से बना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हार्ड है, ऊपर वो फ्लेक्सीबल है, हिलते हैं। इसे हार्वेस्ट करते वक्त क्लाइंबर एक ट्री पे चढ़ता है, वहाँ पे बंच कट करता है, नीचे फेंकता है, और वहाँ से दूसरे पेड़ पे स्विंग करता है लाइक अ मंकी। और 1 घंटे में वो 30-40 ट्री हार्वेस्ट करता है, इसलिए सुपारी के पेड़ नज़दीक होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं लगाते सर, नज़दीक लगाते हैं। ये फ्लावर्स है, इसको डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, 10 दिन तक ऐसे रहते हैं, मुरझाते नहीं है। हेलिकोनिया, बर्ड ऑफ पैराडाइज पता है आपको? सेम फैमिली है बर्ड ऑफ पैराडाइज। खाने का है ये इंसुलिन का पत्ता है, शुगर प्लांट, जिसको डायबिटीज है ना उसने इसका एक पत्ता डेली उठ के खाना चाहिए सुबह खाली पेट, डायबिटीज लेवल कंट्रोल करता है। वो वाला नहीं, ये अलग है, ये नेचुरल है, खट्टा है ना। इसका पेड़ मिल सकता है इंसुलेशन का, इंसुलिन का पेड़ मिलता है। ग्रास है, अभी जो आपको वेलकम ड्रिंक दिया था लेमन ग्रास की चाय, उसमें लेमन जो आप पिज्जा पे वगैरह स्पाइसी वाला फ्लेक्स यूज करते हैं ना, वही नॉर्मली चिले से नीचे लगती है ना, चिली ऊपर ही लगती है ऐसे। ये भी खिला के दिखा देना। और इसकी एक मैक्सिमम साइज 2 इंच होती है, ज्यादा बड़ी नहीं रहती है। गोवा में इसको हम पुर्तगाली चिली कहते हैं, इसको बर्ड आई चिली भी बोलते हैं। हल्दी, हल्दी पूरी ना रूट्स में होती है, ये जब पूरे पत्ते ड्राई हो जाते हैं ना तो हल्दी जमीन से निकालते हैं। मैं तो बाहर ही हूँ दिल्ली से, मैं तो नेटिंग नहीं करता।
5 बजे बंद होता है, रात को नहीं खुलता। अच्छा, 5 बजे बंद होता है। पूरा जंगल भी यहाँ पे ऐसे दिन में नहीं है, रात रात में तो होते होंगे, इतना बड़ा जंगल है पूरा। हाँ जंगल है ना, पर वहाँ पे मेंटेनेंस है ना, ऊपर सॉइल करे, उसमें अलग अलग से स्पाइस लगाए, ऐसे नहीं आ सकते। नहीं दिन में कुछ नहीं आता, सिर्फ मंकी घर। और एक दालचीनी है, सिनेमन, दालचीनी पता है ना, खाने में यूज करते है वही। और दालचीनी का सिर्फ एक छिलका यूज करते है, एक बाग के अंदर का हूड नहीं। ये जो पूरा बाग रेडी होता है ना, तो इसको काट के सुखाते हैं, पर ट्री को यहाँ पे नीचे नहीं काटते, क्योंकि यहाँ पे एक बार उसका बाग निकाला ना तो वापस वो ग्रोथ नहीं करता, इसलिए उसके ब्रांचेस कट करके वो सुखाते हैं। और एक 10 साल के बाद उसको पूरा बाग रेडी होता है, तब उसको काट के सुखाते है। हाँ नहीं तो वो सर पतला रहता है बहुत, क्योंकि वो ब्रांचेस के हम कट करके सुखाते है ना, इसलिए इसका जायफल एंड जायपत्री दोनों एक ही से मिलता है। वैसे होते हैं। ये जब फ्रूट पक जाता है ना, अपने आप बीच में ही खुलता है, यहाँ पे एक खुला है, वहाँ पे देखना दिख रहा है, अपने आप बीच में खुलता है, दोनों नीचे गिरते हैं ऐसे, उसको बाहर पकड़ी रहती है ना, वो जायपत्री रेड रेड सा दिख रहा है नीचे से देखना, वो जायपत्री, अंदर जो ना रहता है वो काला सा, वो जायफल है। दोनों मसाले में यूज करते हैं, पर वो जायपत्री रहती है ना वो बिरयानी में वगैरह यूज करते हैं, और वो पुलिस आंखों पे स्प्रे करते है ना, जो पेपर स्प्रे आता है टीयर गैस में स्प्रे, पेपर स्प्रे भीड़ डालने के लिए यूज करते हो, वो जावित्री से भी बनता है। और जायफल तो बहुत गर्म होता है, हमें को बहुत सनलाइट चाहिए होता है, और यहाँ पे उसको सनलाइट नहीं मिलता, इसलिए बहुत ऊपर से लगा है। और काजू से सीजन में मिलते हैं, देयर इज मार्च अप्रैल एंड मई, और एक फ्रूट सिर्फ एक नट देता है, पर वो कच्चा वाला कभी मत चबाना, क्योंकि बहुत पॉइजनिंग होता है। अगर आपने वो कच्चा वाला चबाया ना तो पूरा मुंह फूल जाएगा। पकने के बाद वो फ्रूट्स खा सकते हैं, बहुत जूसी और स्वीट रहते हैं, इसलिए जो काजू से वगैरह अल्कोहल बनता है ना, स्वीटनेस के लिए कुछ भी उसमें इंक्लूड नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्रूट से स्वीट होते हैं ये। और काजू के लिए कोई ऊपर नहीं चढ़ता है, तो खुद नीचे गिर जाते हैं ना, वही उठा के यूज करते। और भी कुछ सूंघना है जवान, सर खाने का नहीं, लौंग नहीं है, लॉन्ग भी है और भी कुछ है, कुछ खट्टे खट्टे भी आ रही है। लॉन्ग है और थोड़ा सा वो वाला जो अभी इससे पहले आपने दिया था उसका भी फ्लेवर नहीं है, मतलब खुला में बिरयानी में वगैरह चिकन में भी वगैरह बनाएंगे ना तो ऐसा डालेंगे। सॉरी, अभी आप लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं और अभी हम और भी देखेंगे, काफी मजा आ रहा है। और एक पूरे लंबे वाले रेड कलर के फ्लावर्स दिखाया था, हेलिकोनिया, उसके सेम फैमिलियर है, एक बड़ा फैलाइए। और ऊपर जो बड़ा सा ट्री है वो कोकम का है, कोकम पता है आपको, कोकम का शरबत पीता है, कोकम की कड़ी बनाते है, कोकम का डाइजेशन के लिए अच्छा है। यहाँ पे भी अभी मैडम नारियल, तो ये इसमें से निकल क्या रहा है, मैंने दिखाया था आपको, हाँ, वो छोटी इलायची, ये बड़ी इलायची ऊपर आती है, वैसे छोटी इलायची नीचे आती है, उसके पत्ते लाइट कलर के होते हैं, इसके डार्क कलर के होते हैं। और ये कॉफी रोबस्टा है, इससे हमें दो तरह की कॉफी मिलती है, ग्रीन कॉफी एंड ब्लैक कॉफी। ग्रीन कॉफी वेट लॉस के लिए यूज है, सेम है जब ग्रीन टी पीते है ना, ऐसे ग्रीन कॉफी यूज करते हैं। अगर आपको ब्लैक कॉफी चाहिए तो पकता है, पकने के बाद वो रेड होती है, रेड होने के बाद उसको रोस्ट करके बाद में खाते पीते है, मतलब कॉफी, इसको कुछ भी स्मेल नहीं आएगा, कुछ कुछ नहीं आपको देखना है ना, आपको एक ये हल्दी का पेड़ है क्या, इसके अंदर नहीं, हाँ जी ये हल्दी का पेड़ है क्या, बेसिकली सुनी नहीं रही, एक थोड़ा सा पानी मैं आपके स्पाइनल कॉर्ड पे डालूंगी यहाँ पे रिलैक्स होने के लिए, आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे, डाक भी नहीं होंगे, सिर्फ गीले होंगे, सूख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्पाइस काउंटर है, कुछ भी खरीदना है तो खरीद सकते हैं, सब ऑर्गेनिक। ये पानी में क्या डाला है आपने, लेवेंडर का ऑयल, लेवेंडर का ऑयल, लेवेंडर रिलैक्सेशन के लिए अच्छा होता है, एक एक करके आप, पानी है वो नॉर्मल पानी है, इनका डायरेक्टली नीचे गिर गया। हाँ चल रही है, भाभी जी सोच रहे परफ्यूम नहीं लगाया, चलो इसी से ले लेती हूँ। मिल रहा सारे ऑर्गेनिक मसाले, व्हाट इज दिस, ठीक है साबुन है ये, लोगों ने कर लिए थोड़ी सी शॉपिंग, हम लोगों ने लिया है रियल इंश्योरेंस प्लान जो वहाँ पे रखा हुआ है, मैंने पैक कर दिया, इसलिए मैं दिखा दे दी,
वो प्लांट लिया है, वो मम्मी जी के लिए लिया है क्योंकि वो ना शुगर वाले लोगों के लिए अच्छा होता है और उसके डेली सुबह एक पत्ती खाई जाए ना तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो मैंने वो प्लांट ले लिया। मैं घर पर जाके उसको लगा दूँगी। और यहाँ के क्लाइमेट में तो चल जाता है, वहाँ के क्लाइमेट में पता नहीं चले ना चले, ये लोग तो कह रहे हैं कि चल जाएगा, तो ट्राई करके देखते हैं। और छोटी मोटी एक दो चीज़ें ली हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं। और आज मैंने मुझे ना फिर पहले पता नहीं था कि ग्रीन कॉफ़ी भी होती है, आज मुझे पहली बार पता चला कि ग्रीन कॉफ़ी भी होती है, उसको भी लोग पीते हैं। तो मैंने ग्रीन कॉफ़ी का भी एक पैकेट लिया है, उसको ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा बेनिफिट लगेगा तो फिर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर खाने में है वेज बिरयानी, राइस, दाल, सब्ज़ी, ये मेरे ख्याल से चिकन है, मसाला चिकन, और ये है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और ये है पापड़, और ये है कोकम, और ये है पिकल, ये है ब्रेड। इन्जॉय। सो गाइस, आज हम लोगों ने वो सारा एक्सप्लोर किया और अब आ गए हैं वापस गाड़ी पे, भी देखते हैं आगे क्या करना है। बेचारा पति मेरा शॉपिंग बैग्स इतने बड़े बड़े उठा के थक गया है। कौन से पर्ची कटवा दी। हाँ, डिनर तो लंच तो खाई दिया। सो वी आर इन अनदर बीच, क्या नाम था भाभी इसका, मनीना 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 करके कुछ होगा, जो भी होगा यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उस वाले बीच पे आ गए हैं और ये है उस साइड से व्यू। हम यहाँ पे हैं तो बीच के अलावा और आपको क्या ही दिखाएं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा ना, सिर में दर्द हो रहा है। अब देखते हैं कि शाम को क्या करते हैं, लेकिन जो भी करेंगे इंटरेस्टिंग करेंगे।